अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबे करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन देखते हैं सबसे पहले। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा पालना की दरख्वास्तों की फरोख्त पर बरहमी का इजहार किया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो दरख्वास्त दहिंदगान की जरूरत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दरख्वास्तें फराहम करें। यह वाजह किया कि तमाम पुराने इस्तीफादा कुनंदगान को ये स्कीमें मामूल के मुताबिक मिलेगी। ऋतुबंधु और पेंशन के बारे में गुमराह ना हो, जिन लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिला सिर्फ वो लोग दरख्वास्तें दें। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मामले में उलझाना नहीं चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी और सीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ प्रजा पालना की दरख्वास्तों की ज़मीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस माह की 28 तारीख से रियासत में प्रजा पालना के आगाज़ के तनाजुर में अहदेदारों से अब तक मुनाकिदा ग्राम सभा की तफसीलात, दरख्वास्तों की तफसीलात, दरख्वास्तों को कबूल करने के अमल और आवाम का रद्द अमल का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने यह तजवीज़ दी कि जितने दरख्वास्तें दरकार हो दरख्वास्तों की कमी के बगैर दस्तियाब कराई जाएँ। जो लोग दरख्वास्त देना चाहते हैं उन्हें बगैर किसी मुश्किल के कार्रवाई करने की हिदायत दी। ज़िले कलेक्टर्स को दरख्वास्त फराहम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। तजवीज़ दी कि अवामी नुमाइंदों को प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेने चाहिए। ऐसे इकदाम किए जाएँ कि लोगों को किसी भी हालत में मुश्किल का सामना न करना पड़े। अहदेदारों को एक बार फिर वाज तौर पर हिदायत दी गई है कि प्रजा पालना कैंपों में दरख्वास्त गुजारों के लिए पीने के पानी, टेंट और दीगर इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। शहर के इलाके तलाबपट्टा चाचा गैरेज के करीब आज शाम ट्रेन की टक्कर से दो नौजवान हलाक हुए। मुहलकीन की शनाख्त आरिफ पटेल साकिन तलाबपट्टा और मोइनबाग के रहने वाले सैयद इमरान के तौर पर की गई है। इतला मिलते ही जाफर हुसैन मेहराज रुकने संभली मजलिस हल्के याकूतपुरा ने मुकामी वाकई का मुआयना किया और पुलिस से इस वाकई की जमा तहकीकात का मुतालबा किया। अफसोस के साथ एक हादसा पेश आया है कि रेलवे ट्रैक जो हमारे यहाँ तलाबपट्टा चाचा गैरेज के पास में रेलवे ट्रैक था, वहाँ पे मगरिब में ट्रेन का एक एक्सीडेंट हुआ बल्कि इतला मिले। जैसे ही इतला मिले मैं खुद यहाँ आया, आते देखा दोनों बॉडीज अभी यहाँ पड़े हुए हैं। एक जो मरहूम जिसका इंतकाल हुआ उसका नाम आरिफ पटेल है जो यहाँ तलाबपट्टे के रहने वाले हैं। दूसरे की जो शिनाख्त हुई है वो सैयद इमरान मोइनबाग चंद्रन भुट्टे के रहने वाले हैं। अब जो बाकी वाकया है इनके खानदान वाले बता सकते हैं, मगर हादसा तो ट्रेन हिट से ये लोग का इंतकाल हुआ है। जैसे ही मालिक इतला मिलते ही नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फौरी कहा कि आप जाइए, जाके वहाँ देखिए वाकये को। तो रेलवे पुलिस को भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हैं, रेलवे पुलिस भी आई है, एरिया पुलिस भी आई है। मैं
हुकूमत से और खासतौर से पुलिस रेलवे पुलिस से भी कहना चाहता हूं, हमारी पुलिस से भी, कि जो मरहूम के चाचा है और उनके वालिद हैं उनका स्टेटमेंट लेकर मुकम्मल तहकीकात होना चाहिए। और आप लोग का कहना यह है कि भाई गलत सोबत की तरफ से बच्चा अच्छा खासा था मगर उसको यहाँ पे दोस्तान लेकर आए, बल्कि ये लोग कह रहे हैं, जो भी है मैं तो यही कहूंगा कि साफ सुथरी तहकीकात होना चाहिए। अगर कोई आदमी गलत चीजों में मुलविस है तो उसको कैसे रोकथाम करना और सजा किस तरीके से दिलाना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं इनके अफराद खानदान के साथ न सिर्फ अफसोस का कहता हूं बल्कि उनको सब्र के लिए भी मेरे अल्लाह सुबहाना ताला मरहूम के वालिद को उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और दोनों मरहूम को जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, यही है। और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द बॉडीज को शिफ्ट किया जाएगा, पोस्टमार्टम के बाद इमीडिएट वर्सा के हवाले किया जाएगा और इंशाल्लाह इसकी मैं खुद भी दिलचस्पी लेकर तहकीकात कराऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मौसूल किए जाने वाले परजा पालना दरख्वास्त फार्म दाखिल करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। जिले मेदक के नरसापुर मंडल के कागज़ मोरू गांव के कंसकार लक्ष्मैया 60 साल उस वक्त गिर गए जब वो परजा पालना प्रोग्राम के तहत दरख्वास्त देने आए थे। मुकामी आवाम ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि इनकी मौत का दिल का दौरा पड़ने से हुई। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की प्रजा पालना प्रोग्राम का 28 दिसंबर से आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 6 जमानतों से मुतालिक दरख्वास्तें मौसूल किए करने के लिए काउंटर्स बनाए गए हैं जहां दूसरे रोज़ भी आवाम की बड़ी तादाद को देखा गया। रियासत के दिगर इलाकों की तरह हैदराबाद में भी कई काउंटर्स पर आज भी अफरा तफरी का माहौल रहा। बास काउंटर्स पर फार्म्स नहीं थे तो बास काउंटर्स पर उर्दू या अंग्रेज़ी में फार्म दस्तियाब ना होने की शिकायत की गई। सुबह से ही काउंटर्स पर लोगों की लंबी कतारें देखी गई। बास काउंटर्स पर भगदड़ भी देखी गई। हैदराबाद के मदाफात में सुलेमान नगर में एक सेंटर पर नाखुशगवार वाकया पेश आया। मरकज में दरख्वास्त गुदहगान की बड़ी तादाद में जमा थी। इस दौरान भगदड़ मच गई। वाकये में सुलेमान नगर वार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मसूदुररहमान मामूली जख्मी हो गए जिन्हें साथी अमले ने अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों के मुताबिक मसूदुररहमान की हालत मुस्तहकम है। वाज़ेह रहे कि मुतादिल सेंटर्स पर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं जबकि अहदेदारों ने इस पर अफसोस का इजहार किया है। अवाम की कसरत और भीड़ की वजह से लोग अहदेदारों को घेरे में ले रहे हैं। ऐसे में अहदेदारों ने दम घुटने की भी शिकायत की है। उसके अंदर ये बैंक के डिटेल्स रखना क्या? नहीं, जरूरत नहीं। बैंक के डिटेल्स नको अम्मा, ये सिर्फ एप्लीकेशन। आपको क्या चाहिए? गवर्नमेंट ये स्कीम्स दे रहे ना, इस स्कीम्स में आपको कौन सा स्कीम चाहिए वो टिक करके दे दीजिए। वो डिटेल्स ये सब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हो जाने के बाद एम्प्लॉय रेशन कार्ड नहीं है चाहिए बोले तो न्यू रेशन कार्ड बोल के यहाँ लिख दीजिए रिक्वेस्ट। और क्या हुआ, रेशन कार्ड है लेकिन शादियां हो गई, बच्चों की बहू आ गई घर में, बच्चे पैदा हो गए, उसको ऐड करना बोले तो यहाँ एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐड फैमिली मेंबर्स बोल के लिख दीजिए, अपडेट करना बोल के लिख दीजिए। अगर आपके पास वो आईडी है तो आईडी लिख दीजिए, बस ऐसे ही। ये अप्लाई करने के बाद उनको देते तो इसको स्क्रूटनी करके वो एलिजिबिलिटी वो सब देख के बाद में आपके घर को एक महीना कुछ होगा शायद आने के बाद तब आपको आके पूछेंगे। आप पेंशन लिखे ना, आपको पेंशन लिखे तो आपका एज क्या है, एज सर्टिफिकेट वो सब पूछने के बाद अगर देना है तो वो देंगे, नहीं तो वो रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करा वो भी वो आपको रीजंस बोल देंगे, सिर्फ ये एप्लीकेशन फॉर्म। न्यू राशन कार्ड के लिए लोग अलग से फॉर्म लेकर सबमिट कर रहे थे, बिल्कुल ही अलग फॉर्म था वो, उसको लेकर भी इन्होंने एक बयान दिया है। क्या कहना है इनका, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। पिछले 2-3 दिन से सभी लोगों में बहुत शक है और प्रश्न है कि ये फॉर्म अगर भरना है तो मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है तो क्या करूं बोल के पूछ रहे। मैं एक ही डाउट आपको क्लियर करूंगी। अगर आपके फैमिली में अगर माँ बेटा और माँ बाप और 2 बेटे को ऑलरेडी रेशन कार्ड है लेकिन ये दोनों बेटों के इस 10 साल में शादी हो गई, उनके लिए उनको वाइफ आ गई और उनको बच्चे भी पैदा हो गए तो इनका एडिशन अभी नहीं हुआ तो क्या करे। अगर आप सब पूरा फैमिली मेंबर्स खानदान पूरा एक ही घर में एक ही डोर नंबर में रह रहे तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म बस से, ऐसा नहीं है। अगर बेटा बहू और बच्चे दोनों सेपरेट सेपरेट घरों में रह रहे डोर नंबर सेपरेट है तो
एक एक डोर नंबर को एक एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, और आपके घर के डिटेल्स जो है, आपके घर के लोग बच्चे वो सब है उनका आधार कार्ड डिटेल्स इसमें लिख के, आधार कार्ड जीरोक्स और फोटोग्राफ भर के दे के ये भर के आप यहाँ सबमिट कर दीजिए, ये काफी है। अगर नया रेशन कार्ड नहीं है तो मार्केट में ऐसे फॉर्म्स बहुत मिल रहे हैं, ये सब में मत जाइए। अगर नया रेशन कार्ड आपके पास नहीं है तो केवल इस फॉर्म में आप नया रेशन कार्ड चाहिए बोल के रिक्वेस्ट दे दीजिए। अगर आपके पास पेंडिंग ऑनलाइन नंबर है तो ऑनलाइन नंबर ब्रैकेट में दे दीजिए और ये एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म देना ही हमारा फर्ज है अभी तक, क्योंकि इसका गाइडलाइंस अभी तक किसी को भी नहीं पता, ये केवल रेवंत रेड्डी साहब को पता है, अभी तक गाइडलाइंस बाहर नहीं आए। गाइडलाइंस क्या है, ये पूरा भर देने के बाद ये पूरा ऑफिसरों के पास जाके ये ऑफिसर स्क्रूटनी करके आपके घर को फिर वॉलंटियर्स आके आप 2500 चाहिए बोल के टिक किए ना, आपको कैसे देना, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस देखते, आपके पास पैसे कितने है, घर है कि नहीं है, आप जॉब करते कि नहीं जॉब करते। अगर आपके पास आपके घर में ऑलरेडी पेंशन आ रही है, अगर कोई हैंडीकैप पेंशन हो, सिंगल वुमेन पेंशन हो, ऐसा कुछ पेंशन आ रही है, तो ये 2500 चालू है। अगर देते कि नहीं देते ये किसी को भी नहीं पता। 500 रुपीस सब्सिडी देते बोले गैस को, ये देने के बाद। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है, हमें सारे टीम के साथ इजाजत दीजिए, और हाँ, एमए करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।